हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए एजुकेशन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम के लिए तो नेट एग्ज़ाम अभी बहुत ही नज़दीक है ठीक है तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल एंड लेबर लेजिलेसन सो इट इंक्लूड्स द फंडामेंटल राइट्स डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ लेजि पावर्स इन टू यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट सो दीज आर दैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इट कैन प्रोड्यूस यू वन टू टू मार्क्स गारंटी इन द एग्जामिनेशन ओके तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो भी आपका नेट या फिर कोई भी पी एस सी एच आर का अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो वो सारे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर लेक्चर को शुरू करने से पहले आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरा नाम है एस आर साहू और यह है मेरा फेसबुक पेज ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप इन सब में आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाता रहेगा और टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पर मैं डेली क्विज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन को कंसिस्ट किया हुआ है ठीक है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड प्रोविजन्स विच डिरेक्टली अफेक्टू दोशल एंड लेबर लेजुलेसन ऑफ द कंट्री ओके देर आर सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड प्रोविजन दीज आर पर्टिकुलरली कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स एंड डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ये जो आर्टिकल्स है ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंडर भी कवर होता है और डी पी एस पी के अंदर डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसका अंडर भी आपका कवर किया जाता है ये सब जो आपका सोशल एंड लेबर लेजिसलेसन को अफेक्ट करता है ठीक है तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपका जस्टिसबल है मतलब इसको अगर इसको कोई वायलेट करता है तो उसको कोर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको पनिशमेंट किया जा सकता है पर यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये जस्टिसबल नहीं है ये ओब्लीगेटरी नहीं है ठीक है दीज आर प्रोवाइडेड विलो ये जो फंडामेंटल राइट्स आपका है ये सब आपका नीचे दिया गया है पहले हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे दीज आर इंक्लूडेड इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव यह आपका फंडामेंटल राइट right आपका पार्ट थ्री ये आपको याद रखना चाहिए और आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव तो इस बीच में जिन जिन आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड लेवल अकॉर्डिंग टू द नेट एग्जाम कोड थर्टी फाइव कोड फिफ्टी फाइव तो उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या क्या आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है अंडर द फंडामेंटल राइट्स तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आपका क्या क्या है तो इसको हम बोलेंगे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ओरिजिनली देर वॉज सेवन फंडामेंटल राइट्स तो स्टार्टिंग में आपका सेवन फंडामेंटल राइट्स था पर आपका नाइनटीन हंड्रेड जो राइट टू प्रॉपर्टी था या आपका 31 अंदर आपका आर्टिकल के अंडर है राइट टू प्रॉपर्टी वो आपका डिमोलिश कर दिया गया वो आपका डिलीट कर दिया गया नाइनटीन हंड्रेड सेवनटी एट में तो दो हजार सत्रह में और एक राइट यहाँ पे ऐड हो गया तो नाइनटीन हंड्रेड सेवनटी एट से दो हजार सत्रह तक आपका सिक्स फंडामेंटल राइट्स था पर अभी यहाँ पे और एक ऐड कर दिया गया है तो अभी सेवन फंडामेंटल राइट्स हैं तो क्या ऐड किया गया है यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे ऐड किया गया है ठीक है आपका सेक्शन आर्टिकल ट्वेंटी वन ए के अंडर ऐड किया गया है ठीक है ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी वन डी इसके अंडर ऐड किया गया है आगे देखेंगे हम सब इसको तो यहाँ पे एक टेबल के जरिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ क्या क्या यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन Right to freedom of religion, right to constitutional remedies, right to privacy, right to cultural and educational rights. Okay. So first, it is given that the right to equality from section fourteen to section eighteen. Okay. So article from sorry. So we have a section bowl there It is from article fourteen to article eighteen of the Indian Constitution. So article fourteen states that equality before law and equal protection of laws.

तो आर्टिकल सिक्सटीन आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपका सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए ये आपका आर्टिकल सिक्सटीन कहता है और आर्टिकल सेवनटीन आपका कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को अबोलिस कर दिया गया है आर्टिकल सेवनटीन देन अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स तो कोई भी अगर टाइटल दिया गया ये सब आपका आर्टिकल एटीन के अंदर आपका अबोलिस कर दिया गया है तो ये सब आपका राइट टू इक्वालिटी हम सब इक्वल हैं हम सब एक हैं ये दर, ये दर्शाने के लिए ये आपका दिया गया है अंडर द राइट टू इक्वालिटी ठीक है नेक्स्ट आपका है राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट तो इसके अंडर आपका आर्टिकल uh, नाइनटीन आपका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन प्रेस मूवमेंट प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस ओके तो ये सब आपका है अंडर आर्टिकल नाइनटीन तो आर्टिकल ट्वेंटी के अंडर आपका क्या है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्सन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस तो अगर कोई ऑफेंस आप किए हो तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है आर्टिकल ट्वेंटी के अंडर ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर आपका है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका है आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में आपका है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो ट्वेंटी में आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स तो छः साल से लेकर चौदह साल के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में बोला जाता है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी टू में आपका है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस तो ये आपका है आर्टिकल ट्वेंटी टू में ठीक है तो ये सब आपका फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स का आपका फ्रीडम ऑफ राइट में राइट टू फ्रीडम में आपका जाता है तो राइट टू प्राइवेसी आपका है आर्टिकल ट्वेंटी वन डी ये दो हजार सत्रह में ऐड किया गया था तो इसको एक सेपरेट आपका अकॉर्डिंग टू तो द फंडामेंटल राइट के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है एक सेपरेट सेपरेट फंडामेंटल राइट तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आपका आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर है आपका आपका फोर्थ फंडामेंटल राइट है प्रोटेक्शन ऑफ ट्राफिक इन ह्यूमन विंग्स आपका आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में आपका आता है ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है और फोर्स लेबर भी आपका आता है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री के अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फोर में आपका आता है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज तो किन किन जगह पे फैक्ट्री में आपका चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है वो आपका दिया जाता है आर्टिकल ट्वेंटी फोर के अंडर तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका है फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो आपका आर्टिकल ट्वेंटी नाइन आपका है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है और आर्टिकल थर्टी right तो, तो आपका सेवेंथ फंडामेंटल राइट आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो कि आपका है थर्टी सेकेंड सेक्शन थर्टी सेकेंड आर्टिकल ओके तो आर्टिकल थर्टी वन में आपका था राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका 1978 में आपका डिलीट कर दिया गया ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी तो ये आपका अभी नहीं है सो नेक्स्ट विल सी अबाउट द डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डी पी एस पी इट्स मिनशन अंडर द पार्ट भी पार्ट आई वी ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट कवर्स फ्रॉम आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन इट इज डिस्क्राइब्ड एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो द फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया

ट के अंदर तो यहाँ पे जिन 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 आर्टिकल आपका एग्जाम पॉइंट इम्पोर्टेंट है अंडर द डी पी एस पी जो कि आपका सोशल एंड में आपका कवर किया जाता है जिसका इंटरलिंक है उसमें तो वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ बाकी सब को रिमूव कर दिया जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम तो आर्टिकल थर्टी तो एट आपका है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर विच वेलफेयर ऑफ द पीपल तो पीपल वेलफेयर के हिसाब से ये आपका है तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल थर्टी नाइन जो कि आपका स्टेट को सिक्योर करना होता है एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आपका आता है आर्टिकल थर्टी नाइन के अंदर थर्टी नाइन डी के अंदर आपका आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड वुमेन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स ये आपका आता है स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स आपका आता है थर्टी नाइन ई के अंदर ठीक है, है, है तो नेक्स्ट इज आर्टिकल फोर्टी वन इट इज़ राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड सिकनेस तो ये सारे केसेस में आपका आर्टिकल थर्टी वन आपका, आपका लागू होता है नेक्स्ट इज आर्टिकल फोर्टी टू इट इज़ टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क तो वर्किंग कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और मेटर्नटी रिलीफ भी यहाँ पे है अंडर द आर्टिकल फोर्टी टू ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है नेक्स्ट आपका है आर्टिकल फोर्टी थ्री ये सारे आपका इंपॉर्टेंट है कोई भी आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन आपका आना पक्का है ठीक है आर्टिकल फोर्टी थ्री आपका सिक्योर वर्क लिविंग वेज ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दीज आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल फोर्टी थ्री सो आर्टिकल फोर्टी थ्री ए आपका सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट तो डब्ल्यू पी एम आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज गिवेन अंडर द आर्टिकल फोर्टी थ्री ए next is article 45 free and compulsory education to all children up to the age of 14 so here is uh, here it is given that up to the age of 14 you have to provide free and compulsory education to all children okay under article 45 so next is article 46 to protect the educational and uh, economic interests of scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections and also protect them from all forms of social injustice and exploitation so in article 46 it is prioritized as per the weaker sections and the scs and st schedule castes and schedule tribes so that no exploitation and social injustice happen to them so next is article 47 to secure and uh, to secure the improvement of public health so it is focused on the public health and the prohibition of intoxicating drinks and drugs so public health is given under article 47 so the last article is article 51 of the DPSP. It is provided as the promotion of international peace and security, then the settlement of international disputes through arbitration. So arbitration of international disputes, or international peace and security under article 51. It is stressed. Okay. Then we have to discuss about the distribution of legislative powers, which is uh, distributed among the union list, concurrent list, and state list. So, Article uh, 246 and uh, 7th Schedule of the Constitution deal with the distribution of legislative powers. Article 246 and 7th Schedule. So, it is distributed between the central and state legislature to maintain a balance between them. They are categorized into three lists as it is an uh, union list, concurrent list, and State list. So, what is included in the union list and who has the authority, who has the power to make laws within this list? Let's see. Parliament has the ultimate power to make laws with respect to any of the matters under the union list. So, if any matters, these are the matters provided. Among these, if any matters, any laws regarding to any matters is required, it is made in the parliament. So, parliament has the ultimate power for the union list so what are uh, included in the union list? those matters have a direct relevance to labour and social legislation include railways, shipping and navigation, ports, oil fields, airways, banking, insurance, posts and telegraphs. industries controlled by the union government, participation in international conferences, interstate migration and union pension. So these are the things which are included in the union list, and uh, the parliament has the ultimate power to make laws regarding these. Okay. So let's, let's see the concurrent list. Then who has the power? Both the parliament and the state legislature. So both have the power to make rules regarding the matters included in the concurrent list. So what are the matters that are included? Trade unions, industrial and labor disputes social security and social insurance employment and unemployment labor welfare that is uh, provident fund pension working uh, conditions employers liability maternity benefit comp workmen's compensation these are uh, this comes under uh, the labor welfare next are the factories boilers and uh, electricity vocational and technical training of labor marriage or divorce Infant and minors adopt adopting then the joint family or partition This also comes under the concurrent list. Any laws regarding this? So vagrancy, vagrancy means homelessness or roaming. Okay. Those persons which do not have any home to stay, they roam from different places to different places in searching of uh, food and uh, work. Okay. So nomadic and migratory tribes. Population control and family planning, relief and rehabilitation, charities and charitable institutions. So these are included under the concurrent list. Any laws regarding this can be made by both the parliament and the state legislature. Okay. Next is the state list, which is the last slice, last slide of the video. Okay. So uh, state legislature has the, has the ultimate power to make uh, any laws. Okay, but some laws can be made in some uh, matters enumerated in this state list by the parliament. Okay, parliament has uh, parliament can make uh, some matters included in this list, but most of the matters, most of the matters is uh, made by the state legislature. Okay, so the matters are prisons, reformatories, postal institutions, reliefs.

खुश रहिए बिंदास रहिए और अपना तैयारी जारी रखिए जिस नेट एग्जाम के लिए जय हिंद जय भारत